नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड कारपोरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर टू मूवी से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे तो दोस्तों शरहद पार की लव स्टोरी हमें दो में देखने को मिली थी इस मूवी को आए इक्कीस साल हो गए इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था नितिन केनी ने वहीं इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें शनि देओल अमीषा पटेल अमरीश पुरी जैसे स्टार कास्ट देखने को मिली थी वहीं इस मूवी को 19 करोड़ के भारी बरखम बजट पर बनाया गया था उस टाइम और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अस्सी करोड़ से भी ऊपर की कमाई की थी और ये मूवी बहुत ही ब्लॉक रही थी साथ में इस मूवी की स्टोरी भारत के विभाजन के दौरान की थी इस मूवी में हमें एक ऊंचे लेवल की और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी देखने को मिली थी और इस लव स्टोरी को निभाया था देओल और अमीषा पटेल ने इस मूवी में शनि देओल ने तारा शिका किरदार निभाया था एक शर्मीले तौर पर और इसके लिए उनको बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था और साथ में अमीषा पटेल ने शकीना का किरदार निभाया था तारा से इंडिया का होता है और शकीना पाकिस्तान की होती है वहीं इस मूवी को म्यूजिक दिया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने साथ में ये मूवी के जो म्यूजिक थे वो भी काफी ब्लॉकब्लास्टर रहे थे और आज भी यंगस्टर इस मूवी के सॉन्ग सुनना पसंद करते है साथ में गदर एक प्रेम कथा मूवी हमें पंद्रह जून दो को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी और इस मूवी का क्लैश हुआ था आमिर खान सर की लगान मूवी से साथ में लगान मूवी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म क्रिकेट पर आधारित थी और ये मूवी भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी अब मेकर्स इक्कीस साल के बाद इस गदर एक प्रेम कथा मूवी का दूसरा पार्ट गदर टू बनाने जा रहे हैं। साथ में इस मूवी को भी डायरेक्ट अनिल शर्मा द्वारा किया जाएगा और ये मूवी भी एक्शन रोमांस और थ्रिलर से भरपूर रहने वाली है लेकिन इसमें हमें लव स्टोरी एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलेगी वहीं स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें मैं फिर से सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं और शायद परिणीति चोपड़ा भी देखने को मिल सकती है इसके अलावा इस गदर टू मूवी को इस बार 120 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तीन करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है और इस बार इस मूवी को म्यूजिक देने वाले है जाने माने सिंगर ए रहमान और मेकर्स जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे तो दोस्तों आपको गदर टू मूवी देखने के लिए कितना इंतजार करें मैं कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर